लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान आखिरकार संपन्न हो गए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को हुई थी, जबकि 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के मतदान 1 जून को यानी कि शनिवार को हुए। अब बारी रिजल्ट की है, जिसका इंतजार अब हर किसी को है। लेकिन आपको बता दें, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं उनमें अलग अलग समीकरण दिखाई दे रहे हैं। बात अगर की जाए कर्नाटक की, तो आपको बता दें कर्नाटक में 28 सीटें हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल में कौन किसको कितनी सीटें कर्नाटक में दे रहा है। वही बात की जाएगा सी वोटर की, तो एनडीए को 23 से 25 सीटें कर्नाटक में मिल सकती हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स शून्य पर सिमट जाएगा। वहीं बात की जाए इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की, तो एनडीए को यहां पर भी 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया को भी 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अदर्स शून्य पर सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए TV9 पोल स्टार्ट की, तो एनडीए को 20 सीटें देने का यहां पर अनुमान लगाया गया है। वहीं बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया को सिर्फ 8 सीटें मिलने का अनुमान यहां लगाया जा रहा है, अदर्स यहां पर भी शून्य पर है। बात की जाए इंडिया टीवी CNX की, तो यहां पर एनडीए को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, यहां पर भी अदर्स शून्य पर ही नजर आ रहा है। कर्नाटक में दरअसल लोकसभा के 28 सीटें हैं। इस बार के चुनाव में कर्नाटक की 28 सीटों पर 2 चरणों में वोट डाले गए थे। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग खत्म हो जाने के बाद TV9 भारतवर्ष पोल स्टार्ट और पीपल इनसाइट के एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए हैं। अनुमान में बीजेपी को 5 से 7 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन को इतनी सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक कर्नाटक में अगर एनडीए की बात करें तो उसे 20 सीटें मिलने की यहां पर आशंका जताई गई है। वहीं इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य किसी को भी सीटें नहीं मिलती दिख रही हैं। पार्टी वाइज आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को 18 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए के सहयोगी JDS 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। कर्नाटक को लेकर किए गए एग्जिट पोल में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो एनडीए को 50.52% वोट मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन को 43.56% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 5.90% वोट जा सकते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ता, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों में कांग्रेस के लिए बेहतर अनुमान इस बार नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में इस बार एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन है। कर्नाटक में इस बार के चुनाव में JDS एनडीए का हिस्सा है। बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो JDS 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। पिछले चुनाव में बीजेपी 25 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 1 सीट गई थी। हालांकि एग्जिट पोल केवल एक सर्वे के आधार पर तैयार आंकड़ा है। चुनाव के फाइनल नतीजे तो 4 जून को ही सामने आएंगे। 4 जून को ही ये पता चलेगा कि कर्नाटक में किस पार्टी को कितनी और कौन सी सीट पर जीत मिली है और कौन सी सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।